वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो मैंने कोरोना वायरस से लेकर वायु दुर्घटना तक कई भविष्यवाणी की है और वह सारी 100% सही भी हुई है। हाल ही में 19 मार्च को भूकंप और राजनीति को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह भी 100% सही साबित हुई है। वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। कन्या राशि वालों, समय आ गया है अब कुछ कर दिखाने का, किसी पीटी जिंदगी से बाहर निकलने का, दरिद्रता के अभिशाप से मुक्त होने का। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो क्या होने वाला है कि मैं कह रहा हूँ कि वक्त आ गया है। तो सुनिए, आपके जीवन में समृद्धि, विवाह, उच्च पद, धर्म एवं धन पर जिनका आधिपत्य होता है वह देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से महा परिवर्तन करने वाले हैं और वह आपके लिए इतने महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर आ रहे हैं जिनके बारे में शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए वीडियो में दी गई हर एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि एक एक बात आपके जीवन को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकती है। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे जब गुरु परिवर्तन करेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, जीवन में किस तरह के बदलाव होगा, कौन से अवसर मिलेंगे, कौन से क्षेत्र में लाभ होगा, हर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तो जानते हैं गुरु परिवर्तन 22 अप्रैल से 1 मई 2024 कैसा रहेगा। गुरु परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए व्यापार में उन्नति, कार्य क्षेत्र में तरक्की, नौकरी में पद और सम्मान के साथ पारिवारिक खुशियां लेकर आ रहा है। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेगा। बृहस्पति विस्तार, विकास, प्रचुरता और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए एक राशि से दूसरी राशि में इसकी गति कन्या राशि के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। आपके लिए यह गोचर आपके व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में सकारात्मक विकास प्रदान करेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो गुरुग्रह आपके छठे भाव में आएंगे। कुंडली में छठा भाव विदेश यात्रा का भाव माना जाता है, जीवन का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, आकस्मिक तरीके से मिलने वाले लाभ का भी भाव माना जाता है। तो सबसे पहले वह आपके कार्य से संबंधित यात्राएं करवाएंगे। जो व्यापार से संबंध रखते हैं उनकी व्यापार संबंधित यात्राएं होगी और वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। जो बड़े बिजनेसमैन है उन्हें कंपनी की डील के लिए देश या फिर विदेश जाने का अवसर मिलेगा और वहीं से लाभ प्राप्त करेंगे। छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, उनको भी छोटी यात्रा के कारण लाभ होगा। आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, जमा है, उधार दिया है, तो वह उधारी अब आपको वापस मिलने लगेगी। दोस्तों, कन्या राशि एक पृथ्वी राशि है जो अपने विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और तार्किक स्वभाव के लिए जानी जाती है, इसलिए जैसे ही बृहस्पति का गोचर होगा वैसे ही हर कन्या राशि के लोग योजना बनाने और व्यवस्थित करने की प्राकृतिक क्षमता में निखार आएगा। आप करियर को लेकर बड़े बड़े निर्णय करेंगे जिसका सीधा लाभ धन के रूप में आपको अवश्य मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको हर प्रयासों में सफलता मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा है, जब कुंडली में गुरु ग्रह शत्रु राशि में नहीं होते, पाप ग्रह के साथ युति में नहीं होते, तो गुरु आपको गुड विद्या, उच्च शिक्षा, शिक्षा का ज्ञाता बना देता है, आईटी, मेडिकल, विज्ञान के क्षेत्र में उच्च पद पर विराजमान करता है, जातकों को सरकार से संबंधित बड़े पद पर सेवा करने का अवसर देता है। यदि कोई बीमार होता है तो वह बीमारी से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक आपके ऑफिस में शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने लगते हैं और आप स्वयं के अर्जित धन से सुख प्राप्त करते हैं, यानी कि अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करते हैं या कर सकते हैं, नया व्यवसाय का प्रारंभ करते हैं और वहां से जीवन में आप आगे बढ़ जाते हैं। कन्या राशि वालों, आप छोटे शहर में हो या फिर विदेश में हो, आपके लिए गुरुग्रह आर्थिक अवसर लेकर आता है जिसके कारण आप अपनी आय में वृद्धि का अनुभव भी करेंगे। राजस्व का एक नया स्रोत आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी निष्णात की सलाह लेकर आगे बढ़ते हैं तो शेयर बाजार, गोल्ड, जमीन, मकान
आदि में इस अवधि के दौरान निवेश करके लंबी अवधि में महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको इस अवधि में आवेगपूर्ण वित्तीय निर्णयों से बचना और उचित शोध और विश्लेषण के बाद ही निवेश करना आवश्यक है। दोस्तों, हालांकि गुरु ग्रह इस वक्त आपको लोभी, ईर्ष्यालु और उदासीन भी बना सकता है, मनमर्जी से कार्य करवाता है और स्वतंत्रता के कारण आपको कष्ट भी देता है। उचित अनुचित का आपको भेद नहीं होता, इसलिए आपको संयम से भी काम लेना आवश्यक रहेगा। बृहस्पति का गोचर नौकरी कर रहे हर लोगों को करियर ग्रोथ के साथ नए अवसर भी लाएगा। क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। वह आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख के साथ नौकरी भी प्रदान करता है। यदि आपकी पदोन्नति किसी कारणवश लंबित है तो आपको अब प्रमोशन मिलेगा या नई नौकरी की पेशकश भी हो सकती है। खासतौर पर साइंस एवं कॉमर्स से संबंधित विद्यार्थियों को बेहतर लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों, गुरु निश्चित रूप से आपको राजनीति में सम्मान देंगे, पद देंगे, सेवा करने का लाभ देंगे। धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य आगे बढ़ेंगे, सम्मान मिलेगा। साथ में गुरु बृहस्पति का गोचर रिश्तों के मामले में भी आपके लिए शुभ है, क्योंकि वह अब जीवन में कुछ स्थिरता और सद्भाव लाने वाले हैं। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए यह वक्त किसी नए व्यक्ति से मिलने का एक अवसर लेकर आएगा। आपके प्रेम संबंध बनेंगे, जो पहले से ही रिश्ते में है वह अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार रहे। विवाह होगा, हालांकि आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दोनों की कुंडली मिलान के लिए शुभ है या अशुभ, यह देखकर ही आगे बढ़िएगा। गुरु सबसे बड़ी खुशखबरी यदि किसी व्यक्ति को देगा तो वह होगे विदेश में रहने वाले, अपने शहर राज्य से दूर निवास करने वाले को, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आप आयात निर्यात का कार्य करते हैं, विदेश से लाभ की आशा करते हैं, स्थायी निवास चाहते हैं, तो वहां पर भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा और लाभ होगा। कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर कन्या राशि के लोगों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में जुड़ने और विस्तार करने के महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। बस आप अपने व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक स्वभाव के साथ इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाएं और आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। सद्गुरु दत्तात्रेय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें, यही हम गिन्नारी से प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदत्त, जय गिन्नारी।